भाई बहन का रिश्ता है, हम जुड़ गए हैं हमेशा के लिए, पूरी फैमिली के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरी शुभकामनाएं, मैं बड़ी हूँ इनसे, तो एक बड़ी बहन का बहुत बहुत आशीर्वाद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड वी विल गो फॉर अ लॉन्ग वे टुगेदर। मैं बता दूं आपको कि गुड पर्सन, बस एक ही लाइन में, बहुत अच्छे उनके नेचर्स हैं और वो खुद ही बहुत अच्छे हैं, जैसे बताएंगे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और फैशन डिजाइनर, लेकिन वो हमें वक्त दे। और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में रेनॉल्ड मेकअप आर्टिस्ट निशा देसाई जी भी मौजूद हैं, तो उनका भी हमें इंतजार रहेगा और उनसे भी हम बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने जो की है जो काफी टची है, मतलब वैलिड है, सो आई लव दैट एंड आई एम हैप्पी। तो हम मुझे यहाँ पे कुछ, मैं डिजाइनर और फैशन डिजाइनर, तो मुझे चाहिए हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा, सो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिंग किया आपने, रियली बहुत खुश हूँ यहाँ आके। अनिशा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ सम्मानित किया, थैंक्स अ लॉट। ये जो स्नेहा जी है निकल के आई है, तो जो टाइम उन्होंने हमको दिया है उसके लिए मैं उसको शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आपने इतना कीमती वक्त मेरे के लिए दिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सभा जी, आपको भी कि ये स्टेज पे मौका दिया सब लोगों को, एक फैमिली को साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बीच अभी नगमा खान, सॉरी नगमा अख्तर, हाँ जी, तो मैं चाहूँगी कि अभी उसका मेकओवर आपके सामने कर रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने हाफ हेयर उसका अंदर कर लिया है, मैं अभी उसको यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ, सो जस्ट अ मिनट। मैं शुभ मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त थे, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया एक्चुअली, हम दोनों ने फैशन इंडस्ट्री में पहली बार जब मैं मुंबई में आई थी इनका। सो हमारे जितने जूनियर्स, हमारे जितने साथ चलते हैं, हम लेके चलते हैं और हम लेके चलना चाहते हैं आगे। And it is a proud moment to be standing on the stage with someone who has been working, we are working together. बहुत अच्छा लगा that when they get success, this is our success. मतलब हमें success मिला है. So thank you so much Sneha, my blessings, wishes always with you. And I see all your good posts and everything. Keep shining, keep smiling. And please give it back to the society also. That is very important to be a humble person. This personality that we have, the magic man here, you know, he's the magician, and ये ऐसे magician, सिर्फ magician नहीं है, who's, you know, ये divine talent होता है, हर किसी के पास talent है, लेकिन कईयों के पास talent वहाँ से आता है, talent यहाँ से आता है, मंजिल बहुत आसान है, my दादी used to say, नियत साफ मंजिल आसान, तो बस चलते रहिए, मेहनत कीजिए शिद्दत से, सारी कायनात आपकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll be right back.
बार ऐसा होता है कि काम करते करते हम लोग काम की बातें भूल जाते हैं, तो आज सुबह से हमको यहाँ पे पहला ही शो मेरा था यहाँ पे, क्योंकि मेरा 4 बजे एक दूसरा शो है, तो मुझे दिया था यहाँ पे स्टेज, बट हम लोग लेट हो गए। बट सुबह 8 बजे से मेरी टीम मेरे साथ में है, और यहाँ पे ये लोग जो मेरे साथ में खड़े हैं वो कोई असिस्टेंट नहीं है, वो एक खुद अपने आप में एक सक्सेस हारती है। ये जो दिखती है ना, इससे बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि वो लोग मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं, सालों गुजर गए पर आज भी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई अपनी जॉब से कोई अपने टाइम शेड्यूल से मेरे लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आए। सो थैंक यू जया, कविता, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। We'll be right back.
फोटोग्राफी का वहाँ पे किया है। फिर अभी रिसेंटली मैंने साउथ में एक मूवी की है तेलुगु, जिसका नाम है चाणक्ष्य, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जी टीवी में मैंने काफ़ी सीरियल किया है, तारक मेहता उल्टा चश्मा उसमें भी मैं थी। लेकिन फिलहाल मैं टी सीरीज के लिए तो म्यूजिक एल्बम कर रही हूँ, जिसको गाया शान ने है, और आप अगस्त से मुझे देख पाएंगे प्राइम अमेजोन के एक वेब सीरीज में, जिसका नाम है ए दिल है मुश्किल। तो अगर मुझे देखना है तो एक दो महीने वेट करिए, फिर प्राइम अमेजोन में नगमा अख्तर याद रखिएगा। थैंक यू। एंड हाँ, आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे आज तक जो कैरेक्टर मिले हैं मेरा विलन का ही मिला है। कभी किसी को मार देती हूँ, कभी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ, एंड आई एम लाइक कि क्यों, बोले कि तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम आंखों से देख लोगे तो लोगों को लगता है कि खत्म। तो मुझे हमेशा था कि यार सीरियल्स में ऐसा होता है कि लड़कियों के चार पांच बार शादियाँ हो जाती हैं फिर सुस्ती, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता कि कभी ऐसे ब्राइडल में इतनी खूबसूरत ड्रेस मुझे पहनने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच निशा देसाई जी, आई एम सो मच ग्लैड कि आज आपने मुझे इतना खूबसूरत बना दिया। आप तो मैं शूटिंग में सबको जाके फोटोज दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी देखो यार तुम लोग ऑन स्क्रीन कर, तो मैं लाइव दुल्हन बन के आई हूँ विदाउट एनी दुल्हा। एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस आपने मुझे यहाँ पे इतना आपका कीमती वर्ड दिया, उसके लिए मैं भी आपके लिए आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये हमारी शान है। एज अ ब्रांड एम्बेसडर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हियर, कमिंग ऑन आवर स्टेज एंड यू नो मेकिंग इट इवन मोर ब्यूटीफुल। एंड इट्स अ मेमोरेबल टाइम फॉर अस ऑल। एक्चुअली आज जो यहाँ पे लिफ्ट एकेडमी ने जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और हम लोग एज ए मेकअप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट मुझे इनवाइट किया था कि आप भी आके आपका एक ब्राइड हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे अपकमर्स लोगों को दिखाइए, सो मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ। एक्चुअली तो मैं 30 ईयर्स से ये फील्ड में वर्क कर रही हूँ, बट फिर भी ये एक मेरा पैसन है। एक्चुअली आज हम लोग काफ़ी बिजी थे, बट ये मेरा एक पैसन है, तो मैं कोई भी बुलाता है मैं भाग के जाती हूँ। और उस पे सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि आज एज ए मॉडल नगमा अख्तर मेरे साथ है, और जिसका मेकओवर करने का भी मुझे चांस मिला, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो पहली बात दिमाग में ये आते है कि अच्छा वो लोग मुझे देख रहे हैं, सो नहीं गए हैं, तब जाकर लगता है कि उनका ध्यान मेरे मेकअप में है, वो लोग मेरा मेकअप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे एक तो बहुत प्राउड फील होती है। और वो लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, मेरे पास कुछ अच्छे टिप्स लेने के लिए आए, तो जब वो मुझे पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। सबसे बेस्ट जो उन लोगों को लगा वो है ग्लिटर आई मेकअप। ग्लिटर आई मेकअप आजकल बहुत इन है, बट ग्लिटर को कैसे अप्लाई करना वो चीज़ सबके नहीं आती है, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ग्लिटर प्रॉपर अप्लाई नहीं किया तो आईलेसिस पे भी लगते, फेस पे भी जाता है, बाद में उसको रिमूव करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए नगमा जी की बात है तो वो लोग ज़्यादातर फैशन में रहते हैं, फैशन मेकअप में रहते हैं, कैजुअल में रहते हैं, तो उन लोग को ट्रेडिशनल ब्राइड का मेकओवर करना उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उनको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मैंने दे दी, तो वो आपस में एक कॉम्बिनेशन बन गया, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारी सेलिब्रिटी बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर स्नेहा गगोई का। देखो मेकअप का तो टिप्स मेरे पास जब भी कोई मांगेगा मैं नींद में से भी उठ के फ़ोन करके दे दूँगी, हाँ। बट अभी एक ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग और एक इवेंट कर रहे हैं जो है ब्यूटी पेजेंट, जो कि हमारा आ रहा है अहमदाबाद में 11 अगस्त को, और जिसका हमारा ऑडिशन सब जगह चालू है अभी, अहमदाबाद में, राजकोट में, जयपुर में, बम्बई में, दिल्ली में और गुवाहाटी में।
तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मॉडल्स, जो भी एक्टर अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग 3 डेज 5-स्टार होटल में वहाँ पे रखने वाले हैं। हाँ, इसमें मेन तो ये है कि ज़्यादातर सबको ऐसा होता है कि मिस लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ने मैरिड मैन और मैरिड वुमेन को भी चांस दे रहे हैं। तो 50+ वाली लेडीज़ भी आके ये चांस ले सकती है, जहाँ पे 3 दिन हम लोग उसको पूरा ग्रूमिंग देंगे 5-स्टार होटल में, और पूरा पोर्टफोलियो सूट रहेगा उन लोगों का, और काफ़ी सेलिब्रिटियों से मिलना भी रहेगा। जी आप देख पा रहे हैं मुझे, मैं तो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज के खड़ी हूँ यहाँ पे। खैर, मैंने आज तक जितने भी शोज़ किए हैं, जितने भी शूट्स किए हैं, तो मुझे हमेशा वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा मिले, और मेरा पर्सनल फेवरेट है इंडियन ड्रेसेस। आई जस्ट लव टू वेयर इंडियन ड्रेसेस। तो जब मुझे निशा जी ने कहा कि नम्मा आई वांट यू एज एन एक्टर कि तुम मेरे इस शो पे आओ, सेमिनार में आओ, और वहाँ पे एज अ ब्राइड मैं तुम्हें तैयार करना चाहती हूँ, आई वाज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। मुझे लगा कि चलो यार फाइनली, मतलब भले ऑन स्क्रीन ना हो, ऑफ स्क्रीन मुझे ब्राइड बनने का मौका मिला है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से, मतलब हर चीज़ का उन्होंने ध्यान दिया है। मतलब उनको था कि मतलब रेड कलर का लहंगा चाहिए, उसमें कढ़ाई किस तरीके की होगी, दुपट्टा कैसा होगा, मांग टीका, मतलब क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से वी आर यू नो डिसाइडिंग द ड्रेसेस, द ज्वेलरी, द मेकअप। इतना मेहनत मैंने आज तक शायद देखा नहीं, मेरे साथ किसी ने इतना मेहनत की नहीं, क्योंकि शूट पर क्या होता है, मेकअप दादा और दीदी रहते हैं तो वो जो भी कैरेक्टर के हिसाब से कर दिया नेचुरल मेकअप। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ प्रोफेशनल मेकअप के साथ। एंड दुख इस बात का है कि बिना शादी के दुल्हनिया बन गई, दूल्हा है नहीं, बाकी आई एम रियली ग्लैड एंड रियली थैंकफुल टू निशा जी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके साथ मैं और काम कर सकूँ और खूबसूरत दिख सकूँ। एंड देन अगेन वी हैव आवर वेरी रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम बॉलीवुड, स्नेहा गोगोई। तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है ड्रेस कलर, मतलब यू नो रेड एंड दिख रहे या फिर शायद दिस इज कॉल्ड ग्रे काइंड ऑफ लाइट, हाँ, तो ये कलर, तो सारी चीज़ों में इन्होंने मेहनत की है, मेरे नेल पॉलिश से लेके एवरीथिंग। तो जब कोई इंसान किसी काम को लेके इतना मेहनत करेगा तो उसको तो सक्सेसफुल होना ही है, एंड सो इट इज़ अ हिट। नहीं, बॉलीवुड में अभी क्या हुआ, अभी जैसे कि मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ तो उसमें भी मेरा लुक पे खास ध्यान रखा गया है। तो ग्रीन रूम में भी जैसे कि जो मेरी ड्रेस डिज़ाइनर दीदी है वो पीछे पीछे भागती है कि मैम आपका ये ड्रेस है, आप ये पहन लीजिए। तो गॉड, दुल्हन लोग कैसे करते हैं, एक इंसान एट अ टाइम। दीदी ने अपना काम कर दिया तो मेकअप ज़्यादा शुरू हो गया, बट यहाँ लिटरली मुझे ये फील हो रहा था कि मैं दुल्हन ही हूँ, और सारे लोग जो है मेरे मेकअप पे लगे हुए, कोई ब्लशर कर रहा है, कोई आईलाइनर कर रहा है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इस तरीके से मतलब यू नो तैयार हुई हूँ एकदम एज अ ट्रेडिशनल इंडियन ब्राइड। एंड इसका श्रेय जाता है स्नेहा गोगोई को, एंड येस ऑफकोर्स द ब्यूटिफुल ब्रिनाउन इंटरनेशनली ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट निशा देसाई जी को। अच्छा, इन दोनों में तो खूबियाँ तो भरे पूरे हैं, लेकिन अब जैसे कि निशा जी टेक्निकली बहुत नॉलेजेबल है, क्या होता है वो चीज़ें ऐसे नहीं करती कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे आईलाइनर मतलब बनाना है तो बस बना दिया, वो उसके तह तक जाती है, उनको लाइन कितना लंबा करना है, कितना छोटा करना है, कितना मोटा करना है, और वो टाइम देती है, वो जल्दबाजी नहीं करती कि चलो आईलाइनर लगाना तो बस लगा दे, काला तो दिख ही रहा है, तो वो शिद्दत से करती है अपना काम। एंड स्नेहा गोगोई जी के बारे में क्या करें, कोई भी कपड़ा हो आपके पास, एंड टाइम पे कहीं पे जाना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, सलवार सूट हो लेकिन दुपट्टा ना हो, साड़ी हो लेकिन ब्लाउज ना हो, वो आपको इंस्टेंट टेक्निकली आपको ऐसे तैयार कर देगी कि वही चीज़ आपका डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, बॉलीवुड में अभी मैं एक शूट कर रही हूँ, इट्स अ 1 आवर फिल्म है, वो प्राइम अमेजोन पे लॉन्च करेंगे शायद वो लोग, जिसका नाम है अय्याश दिल, वो चल रहा है। फिर अभी एक सीरियल की बात हो रही है जो सब टीवी में आएगा, तो मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। म्यूज़िक एल्बम शूट होने वाली है, वो कब का शूट होने वाली थी लेकिन मेरा रमज़ान चल रहा था तो मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़ा, तो काफ़ी चीज़ें चल रही है, वन शूट चल रहा है, ऑन प्रोसेस है, तो 1-2 महीने में शायद आप लोग देख पाएंगे। एक थोड़ा स्टॉप,
ऑडियंस हम क्या कहे, ऑडियंस हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी दुआएं हमें मिलती है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये हमारी शुरुआती दौर है। अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत काम करना है इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया के नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड के लोगों को एंटरटेन करना है एज एन एक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करना है, आपको रुलाना भी है, हंसाना भी है, तो बस आप लोग दुआएं दीजिए कि हम तरक्की करते जाए, इट्स ओके, हम तरक्की करते जाए, अच्छा काम करते जाए, और बस हमेशा आपका साथ बना रहे, बस यही आप सब से हमारी ईद। हाँ, ईद में इस बार हम बॉम्बे में थे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो बस हमने शीर कोरमा बनाई और बिरयानी बनाई अपने दोस्तों के लिए, और बाकी अपनी फैमिली को काफ़ी मिस किया क्योंकि हम ईद ही नहीं कलेक्ट कर पाए इस बार, क्योंकि हमारा तो मेन खुशी उसी बात को लेके होता है कि कब ईद आएगी और कब हम लोग ईद ही कलेक्ट करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, जैसे कि कुछ दोस्त आए, शीर कोरमा बिरयानी साथ में खाए, क्योंकि डाइट के वजह से तो कहाँ नसीब होता है हमें बिरयानी, तो चलिए ईद के बहाने हमने मस्त बिरयानी खा ली, एंड दैट्स इट, उस तरीके से हमने ईद सेलिब्रेट किया। थैंक यू वेरी मच। जवाब देने के लिए रेडी हूँ। नागमा ऑलरेडी नागमा है, नागमा देखने के लिए ऑलरेडी खूबसूरत है, उसमें हमने थोड़ा सा पॉलिश कर दिया और भी खूबसूरत बन गई नागमा, तो ऐसे लुकिंग सो ब्यूटीफुल एलवेज एलवेज शी इज अ नागमा। मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों का मुझे याद है, और 24 आवर्स यही काम करते रहती हूँ, पता नहीं मैंने आज तक कितना किसके साथ काम किया वो भी मुझे याद नहीं है, शायद आप लोगों को तो पता ही होगा। नहीं, आज का शो बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सो मच निशा दीदी, उन्होंने मुझे यहाँ उनके साथ काम करने का मौका मिला, और थैंक्स ये लिफ्ट एकेडमी, तो उनके वजह से हम सब आज सब जुड़े हुए हैं, सो इनके साथ जो हम बिसर गए थे कुछ लोग यहाँ पे सुबह में वो भी मिल गई आज, और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं अभी एक इवेंट कर रही हूँ, मिस्टर मिसेस इंडिया, हाँ हम दोनों पार्टनर आइकॉनिक इन पर्सनैलिटी 2019, निशा जी मेरे पार्टनर है उसमें, 28 को ऑडिशन है कांति क्लब में मुंबई, जो जो कोई भी ऑडिशन में आना चाहते हैं वहाँ पे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। खूबसूरत प्रोग्राम तो है ही, लिफ्ट एकेडमी, लिफ्ट का मतलब क्या है, लिफ्ट करना, और फिर हमारे यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस आई मीन रिनाउंड एक्ट्रेस नगमा जैसी शख्सियत यहाँ आ जाए तो क्या बात है, और चार चांद लग गए। निशा जी, स्नेहा जी, ये सब मैं इनको बहुत पहले से जानती भी हूँ, हम काफ़ी काम कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब सब हम दोबारा मिलते हैं हर ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो ये और यू नो प्रोग्राम जो भी होता है उसमें और चार चांद लग जाते हैं, बिछड़े हैं, हाँ बिछड़े यार यहीं पे ऐसे ही, बिकॉज हर कोई इतना बिजी है ना, तो इतने बिजी रहते हैं हम लोग, तो इस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू श्याम शर्मा जी जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, ही इज़ अ मैजिशियन ऑन स्टेज विथ हेयर एंड अमेजिंग गाय इंटरनेशनल, बट फिर भी ही इज़ सो ग्राउंडेड, तो इनसे हमें सीखने मिलता है कि कैसे इंसान को ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए। तो श्याम शर्मा जी हम सब की महिलाओं की तरफ से, ही इज एन वुमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं ना, वो उनको लेके चलते हैं, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच। मैं आज निशा जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने एक बेहतरीन आर्टिस्ट यहाँ पे लाए, उनका लाइव मेकअप किया, और चूँकि जो एक आर्टिस्ट होता है तो उसके फ्लोवर्स और हाँ मैं बता दूँ कि मैं खुद एक हेयर ड्रेसर हूँ, हेयर स्टाइलिश हूँ, और आज फर्स्ट सेशन मेरा हुआ जहाँ पे हमने एक नई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया कि हेयर डू और हेयर कट और हेयर कलर किस तरह से मिला के करते हैं दोनों काम, तो वो हमने किया, और जो कि मैं पहले इनके बारे में बोलना चाहूँगा कि ये सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनके काफ़ी बड़े फॉलोअर्स हैं, और आज भी जो लोग देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे कि इनका नया स्वरूप लोगों को देखने को मिलेगा।
जो अब तक नेगेटिव था आज एकदम पॉजिटिव हो जाएगा जी जी आज तक मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का इतना मौका नहीं मिलता था ऑन स्क्रीन, हमेशा ग्लैमरस कपड़े पहनने का मौका मिला था जैसे मैंने बताया, तो आज तो मतलब ट्रेडिशनल दूर की बात है, मैंने पूरा ही दुल्हन का जोड़ा पहन लिया था। एक नया कॉन्सेप्ट था और काफी अच्छा लगा हमें, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई दुल्हन या कोई ऐसा खास पर्सनालिटी यहाँ उतर आई है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें अपना टाइम दिया उसके लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। आउट फील हो रहा है कि जो मेकओवर मैंने यहाँ पे स्टेज पे किया है, जो मैं 30 इयर्स से कर रही हूँ, और शुरुआत में मैं जब ये फील्ड में आई थी तो मैं कोई अच्छे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की यानी कि ढूंढते हैं ना हम लोग कि कहाँ से हमको अच्छा सा मेकअप सीखने को मिले, तब जाके मुझे करिश्मा कपूर की शादी में मैंने बोला यार मेकअप इसको बोलते हैं, पर पता नहीं कि इसका मेकअप किसने किया, और मुझे पता लगा कि ये जयवंत सर ने किया है। मैंने उसका नंबर ढूंढा, उसका कांटेक्ट किया, और उनके पास से ही मैंने ये पूरा मेकअप सीखा हुआ है। सो मुझे आज बहुत प्राउड फील होता है कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को जब रेडी किया तब मेरे साथ बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट भी साथ में है कि जो really मेरे ऑलरेडी गुरु है। सो थैंक यू सो मच सर, गुरु और शिष्य। हाँ, एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज द वे शी इज मूविंग, इनका जो काम, जो अभी वो एक पेजेंट भी करने जा रहे हैं, मीन्स शी इज़ रॉकिंग एंड माय गुड विशेस आर ऑलवेज विथ हर एंड शी इज़ ऑलवेज हार्ड वर्किंग। क्या होता है ना कि होता है बट हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आदमी गिव अप नहीं करे, वो करते हो शी डजंट गिव अप एंड शी इज़ सक्सेस बिकॉज शी नेवर गिव अप, शी इज़ ऑलवेज हार्ड वर्किंग एंड कीप मूविंग। सो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ हर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आज हमारे साथ यहाँ पे जो है आपके बदले मैं ये कर रही हूँ, मिस्टर शाह नवाज जी जो कि सर सलून इंडिया का कंपनी चलाते हैं, और उसके बारे में डिटेल में तो मेरे से ज़्यादा वो ही बता पाएंगे। जी सर, सलून हमने एक वेबसाइट पोर्टल बनाई है जो पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए है, सलोन, स्पा, एकेडमीज, ब्यूटी रिलेटेड और जितने भी पेजेंट्स होते हैं सबको हम सपोर्ट करते हैं, मतलब ब्यूटी के लिए एक वन स्टॉप शॉप है जिनके लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। हमारा ऐप भी चलता है, सलोन्स के लिए सॉफ्टवेयर भी है, मेकअप आर्टिस्ट का प्रमोशन है, और हर तरह का काम हम ब्यूटी वालों के लिए करते हैं। मुंबई में हमारी ऑफिस है, मेरा नाम शाहनवाज शेख है, और निशा देसाई जैसे सारे मेकअप आर्टिस्ट हमको सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए।